Assalamu alaikum, welcome to my channel. I am Salim's lectures. Previous lecture mein hum introduction to carbohydrate complete kar chuke hain. Aaj new chapter humne start kiya hai, that is proteins. Protein ko aaj hum discuss karenge. Dekhiye aapko lecture number 1 mein samjhaya gaya tha ki hamare paas different biomolecules hote hain, different macromolecules bhi hum keh sakte hain, polymer bhi keh sakte hain. Inka size bada hota hai, isiliye hum inhe macromolecule kehte hain, polymer kehte hain. वो तो आपको पता चल गया कि साइज बड़ा है तो मैक्रो मॉलिक्यूल कह रहे हैं और पॉलीमर कह रहे हैं. सवाल ये है इन्हें हम बायो मॉलिक्यूल्स क्यों कह रहे हैं. देखिए ये मॉलिक्यूल्स जो हैं एक्चुअली बायो मॉलिक्यूल इसलिए कहलाए जाते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं बाय द बॉडी ऑफ लिविंग सिस्टम. किसी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर इन मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनसाइड बॉडी इसको प्रोड्यूस करता है तो हम इन मॉलिक्यूल्स को बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं. वी नो दिस वेरी वेल के लैब में भी ये मॉलिक्यूल्स इजीली सिंथेसाइज कर लिए जाते हैं और हम इन्हें आसानी से इन विट्रो कंडीशन में प्रोड्यूस कर लेते हैं. बट अगर हम इन वीवो की बात करें, अगर किसी बॉडी ने इसको प्रोड्यूस किया तो फिर हम इन्हें बायो मॉलिक्यूल्स कहना पसंद करते हैं. ठीक है, ये बायो मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, साइज में बड़े होते हैं और पॉलीमर कहलाते हैं और ये अपने मोनोमर्स से मिलके बनते हैं. मोनोमर क्या होते हैं? मोनोमर्स एक्चुअली स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं मोनोमर्स, और वी कैन से माइक्रो मॉलिक्यूल. ये मोनोमर्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर. जैसे आपके सामने एक वॉल है, वॉल जो है वो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है और ये वॉल पॉलीमर कहलाएगी. और ये वॉल किससे मिलके बनी है? छोटी छोटी ब्रिक्स से, ब्लॉक से. तो वो सब आपस में कंबाइंड हुए, वो सब क्या थे? वो मोनोमर्स थे और उन्होंने कंबाइंड होकर के एक न्यू स्ट्रक्चर, एक लार्ज स्ट्रक्चर बना दिया जिसको आप पॉलीमर कह रहे हो. ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट देने के लिए मोनोमर एंड पॉलीमर का. देखिए तमाम मोनोमर अपने ही पॉलीमर को बनाएंगे, मींस ये स्पेसिफिक होते हैं. क्या कहना चाह रही हूँ? कहना ये चाह रही हूँ, यू नो दिस वेरी वेल दैट अमाइनो एसिड जो है वो एग्जाम्पल है उन मोनोमर्स की जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए. अभी अमाइनो एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाएंगे, ठीक है? वो एक अलग चैप्टर है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस और बहुत सारी चीज़ें जिसमें कन्वर्जन होता है नॉन शुगर से शुगर मॉलिक्यूल बनते हैं, वो हम उसको कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में डिस्कस करेंगे. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स और मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मोनोमर और पॉलीमर का दे रही हूँ. पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट जो है ये कॉम्प्लेक्स हैं, आपको मालूम है कि ये मोनोसेक्राइड से मिलकर बने होते हैं. इसी तरीके से फैट्स एंड ग्लिसरॉल जो हैं, फैटी एसिड मॉलिक्यूल और जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिपिड्स बनाने के लिए. और जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मोनोमर हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिल करके न्यूक्लिक एसिड बनता है. और आप सबको मालूम है कि न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स होती हैं, एक डीएनए और एक आरएनए. न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं डीएनए और दूसरी है आरएनए. ठीक है जी, ये सब हो गए हैं बायो मॉलिक्यूल्स, इन्हीं को हम पॉलीमर और इन्हीं को हम लार्ज मॉलिक्यूल कह रहे हैं. बात करेंगे प्रोटीन की. प्रोटीन एक बायो मॉलिक्यूल है, पता चल गया आपको. बॉडी में एबंडेंटली पाया जाता है, कसरत से पाया जाने वाला मॉलिक्यूल है. वाई? देखिए जब भी हमारी बॉडी में कुछ बनेगा, स्ट्रक्चरल साइड पर मीन्स बनावट की बात हो रही है, कुछ बनने की बात हो रही है, तो कोई चीज़ हो ना हो, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, इन ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चैप्टर है. जो रूट होगी, जो मेन चीज़ होगी, जो किसी चीज़ को, स्ट्रक्चर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो कौन सा बायो मॉलिक्यूल होगा? वो है प्रोटीन. इसको ग्रीक लैंग्वेज से हमने ड्राइव किया है वर्ड प्रोटियोस को, और इसके मीन्स होते हैं फर्स्ट रैंक और वी कैन से फर्स्ट प्लेस. तो प्रोटीन जो हमें मीन्स देता है वो पहले नंबर के देता है, पहले रैंक के देता है तमाम बायो मॉलिक्यूल्स में. इसका फर्स्ट रैंक है क्यों? क्योंकि इससे मिलकर सब कुछ बन रहा होता है ना, इसीलिए इसको फर्स्ट रैंक दिया जा रहा होता है. इनकेस आप स्टडी कर रहे हैं प्रोटीन की, जिसमें आप उसकी फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक को देख रहे हैं, आप उसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, आप उसके पैथोलॉजी साइड पर रिसर्च कर रहे हैं, वहाँ से स्टडी कर रहे हैं, जेनेटिक्स को देख रहे हैं, फंक्शन की बात कर रहे हैं, मीन्स हर एस्पेक्ट से आप उसको कवर कर रहे हैं. तो हम ये गैलेक्सी ऑफ प्रोटीन हो गया ना, स्टडी ऑफ गैलेक्सी ऑफ प्रोटीन, जिसमें तमाम हर एंगल से आपने देखना है. तो हम इसको शॉर्ट करके कहते हैं प्रोटियोमिक्स. प्रोटीन किससे मिलके बनी है? प्रोटीन जो है वो आपको मालूम है कि अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं. अब अगर आपसे कोई सवाल करता है कि ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर हैं, ये किससे मिलके बनेंगे, तो आप कहेंगे मोनोमर से. और मोनोमर कौन है? ये रहे तो वो तमाम मोनोमर. अगर आपसे कोई सवाल करता है कि भाई ये जो अमाइनो एसिड मोनोमर है ये किससे मिलके बना है, तो आप जवाब देंगे एलिमेंट से. कैसे? अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ अमाइनो एसिड का. आप फोकस करिएगा, ये जो अमाइनो एसिड है मोनोमर है और ये अमाइनो एसिड मिलकर बना है एलिमेंट से. कौन कौन सा एलिमेंट है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन.
और यहाँ पे ये इसकी साइड चेन है फंक्शनल ग्रुप है। तो अब ये एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। अगर आपसे फिर कोई सवाल कर दे कि भाई अब ये एलिमेंट किससे मिलके बने, तो आप जवाब दे दीजिए कि एलिमेंट मिलके बने हैं एटम्स से। फिर कोई सवाल कर दे आपसे कि भाई ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स है इनसे तो मिलके एलिमेंट बन गए, अब सवाल ये कि ये एटम किससे मिलके बने, तो आप जवाब देंगे चार्ज पार्टिकल्स से। देयर आर थ्री चार्ज पार्टिकल, एक्चुअली दो होते हैं, दो पे चार्ज होता है, तीसरे पे चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखें इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स कैरी न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इसीलिए चार्ज पार्टिकल अगर एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तीसरा पार्टिकल कहलाता है जो कि एटम बनाने में रोल प्ले करता है। अच्छा, अब ये पार्टिकल जो है इन्होंने मिलकर के एटम बना दिया और बहुत सारे एटम के ग्रुप ने एलिमेंट बना दिए और एलिमेंट्स ने ये मोनोमर्स बना दिए, ये डिफरेंट सब्सटेंस बना दिए, कंपाउंड बना दिए, और इन मोनोमर्स ने लार्ज मॉलिक्यूल पॉलीमर बना दिए। और अगर ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर बने हैं, किसी लेट सपोज हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी ने बनाया तो हम इन्हें कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये बायो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एक्चुअली ये बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं सेल ऑर्गेनली। इफ यू नीड सेल, तो सेल कैसे बनेगा? जैसे कि एटम कैसे बना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आए तो इन तीनों के मिलने से क्या हो गया, एटम बन गया। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे एटम, अगर हम सेल को देखें, इनसाइड द सेल मैनी ऑर्गेनलीज प्रेजेंट। यहाँ पे मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना रही हूँ, न्यूक्लियस, एंड देन ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ गॉल्जी अपैरेटस है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनलीज सेल के अंदर मौजूद होती हैं। एक्चुअली ये ऑर्गेनलीज इन बायो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी है। ठीक है, और ये बायो मॉलिक्यूल्स जो हैं, जब ये ऑर्गेनलीज इन बायो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बन जाती हैं, तो ये ऑर्गेनलीज क्या करती हैं, प्रॉपर एक सेल बन गया, सेल बना दिया। ठीक है, अब ये सेल डिवाइड होगा, इसके बहुत सारे डिवाइड होने से बहुत सारे सेल हमें मिल जाएंगे। तो ग्रुप ऑफ सेल कंबाइंड टुगेदर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, ये सेल है इसका ग्रुप कंबाइंड होगा तो हमारे पास आ जाएंगे टिश्यूज। ठीक है जी, अब ये जो टिश्यूज हैं, डिफरेंट टिश्यू ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू कंबाइंड टुगेदर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, तो एक ऑर्गन बन गया। अब इसी जैसे ये एक ऑर्गन बना है डिफरेंट टिश्यूज के ग्रुप से, इसी तरीके से बाकी ऑर्गन भी बनेंगे, तो हम उसको कह देंगे ऑर्गन सिस्टम, के भाई बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं और वो आपस में काम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में है। तो ऑर्गन सिस्टम जैसे डेवलप हो जाता है, इसके डेवलप होते ही क्या बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो आपकी इब्तदा ये चार्ज पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट ये रहे चार्ज पार्टिकल जिन्होंने मिलकर ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल कंबाइंड टुगेदर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म एटम, एंड ग्रुप ऑफ एटम कंबाइंड टुगेदर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट्स ने बनाए मोनोमर्स, ये कंपाउंड्स बनाए। एक्चुअली एलिमेंट जब टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड, ये अमाइनो एसिड जो है, ये मोनोमर्स जो है कंपाउंड्स ही हैं एक तरह से, ये मोनोमर्स अभी हम यहाँ इनको कह रहे हैं, और ये मोनोमर्स मिल करके लार्ज मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पॉलीमर बना देते हैं। लिविंग बॉडी के अंदर बन गया है तो हमने उसको कह दिया, ह्यूमन बॉडी ने बना दिया तो बायो मॉलिक्यूल कह दिया, इन बायो मॉलिक्यूल्स ने ऑर्गेनलीज बना दी जिससे मिलकर सेल बन गया, सेल ने टिश्यू बना दिए, टिश्यू ने ऑर्गन बना दिया, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गेनिज्म हमें मिल चुका है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है, वो मिक्स कर देते हैं, वो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन और अमाइनो एसिड को मिक्स कर देते हैं। देखें ये हैं वो अमाइनो एसिड आपको इंडिविजुअल दिखाई दे रहे हैं। अब ये प्रोटीन कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे कि ये अमाइनो एसिड लीनियर सीक्वेंस में आपको यहाँ पे अरेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको एक बॉन्ड लाइन दिखाई दे रही है जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसने क्या किया हुआ है, दो अमाइनो एसिड को जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया। दीज टू अमाइनो एसिड हेल्ड टुगेदर बाय दिस लिंकेज, एंड ये लिंकेज कहलाता है पेप्टाइड लिंकेज, और पेप्टाइड बॉन्ड भी हम इसको कह सकते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या करता है, अमाइनो एसिड को होल्ड करता है, और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जिसको आप कहते हो पॉलीपेप्टाइड चेन, पेप्टाइड शॉर्ट फॉर्म में आप इसको कह रहे हैं। ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई है। पॉलीपेप्टाइड चेन छोटी होती है, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड अभी होते नहीं है, जैसे जैसे इसमें नंबर ऑफ अमाइनो एसिड बढ़ते चले जाएंगे, 50 प्लस हो गए, 100 तक पहुंच गए, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड ऐड होते चले जाएंगे वो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा, और अब हम उसे बोलेंगे प्रोटीन। तो मिक्स मत करिएगा, फर्स्ट वी हैव अमाइनो एसिड एंड देन पॉलीपेप्टाइड चेन एंड देन वी हैव प्रोटीन।
अब प्रोटीन की इतनी सारी बातें कर ली, इसके थोड़े फंक्शन की बातें करते हैं कि अभी तो हमने इसके किस तरीके से बनी, क्या हुआ, ये सब चीज़ें डिस्कस किया, इसकी इतनी क्यों इतनी इंपॉर्टेंस, हम क्यों उसको स्टडी कर रहे हैं, फंक्शन की बात करते हैं। देखिए स्ट्रक्चरल साइड पर प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करना होता है, जैसे कि मैंने बताया जब भी बॉडी में कुछ बनेगा तो प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमें मसल्स अपने बनाने हैं, स्केलेटल मसल्स चाहिए, वी नीड फॉर दिस पर्पस प्रोटीन, हमारे हेयर ग्रोथ होती है, बाल बनते हैं, हेयर फॉलिकल बनते हैं, वी नीड फॉर दिस पर्पस प्रोटीन, नेल्स बर्न है, स्किन के न्यू सेल्स वेयर एंड टेयरिंग का प्रोसेस हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, अदर बॉडी में स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो इन सब के लिए हमें ज़रूरत होती है प्रोटीन की। फिर इसके अलावा प्रोटीन ये यहाँ पर जो रोल प्ले किया उसने स्ट्रक्चरल साइड पर किया, कनेक्टिव टिश्यूज वगैरह के लिए, एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होता है, बहुत सारी फॉर्मेशंस के लिए हमें प्रोटीन लाजमी है, प्रोटीन अगर हमने बनाने तो हमें प्रोटीन तो मस्ट है। अच्छा अब बात करते हैं थोड़ी ट्रांसपोर्टेशन साइड पे कि प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में किस तरीके से रोल प्ले करती है। बेस्ट एग्जांपल इसकी हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन अगर आपने मॉलिक्यूल देखा हो तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को पिकअप करता है एंड सप्लाई करता है टू द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, ट्रांसपोर्ट कर देता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और एक्सहेल करवा देता है। ठीक है, एक प्रोटीन होती है जिसे हम फेरेटिन कहते हैं, स्टोरेशन का काम कर रही होती है ना आयरन को लेकर के, और आयरन वो मॉलिक्यूल है, वो एलिमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोग्लोबिन का, बिल्कुल सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है, हीमोग्लोबिन बनाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से प्रोटीन ने ट्रांसपोर्टेशन साइड पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और भी बहुत सारे रोल है, मैंने एक ही एग्जाम्पल दिए। मोटिलिटी की अगर हम बात करें, मोटिलिटी में मूवमेंट में किस तरीके से रोल प्ले करता है, देखें जो कुछ बैक्टीरियल सेल आपने देखे होंगे उनके पास फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला उनको लोकोमोशन में हेल्प करता है, और ये जो फ्लैजिला है ना एक खास किस्म की प्रोटीन फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो वो प्रोटीन ही होती है जो फ्लैजिला, अगर बहुत सारा है तो फ्लैजिला एक है तो फ्लैजिलम, तो वो प्रोटीन ही होती है जो ये फ्लैजिलम या फ्लैजिला बनाती है और जो फिर ये मोटिलिटी में रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से अगर ह्यूमन की बात करें, इनके पास स्पर्म सेल होते हैं मेल के पास ना, तो इनके जो स्पर्म सेल होते हैं उनके पास टेल होती है, और वो स्पर्म सेल क्या करते हैं, स्विमिंग कहते हैं वैसे, वो मूव करते हुए स्विमिंग करते हुए पहुंचते हैं टुवर्ड्स ओवम एंड देन उससे फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फिर जायगोट बन जाता है। तो उसकी जो टेल होती है ये भी प्रोटीन से ही मिलकर बनी होती है जो इसको लोकोमोशन में, मूवमेंट में, स्विमिंग में हेल्प करती है। फिर प्रोटीन रोल प्ले कर रहा है एज ए कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एंजाइम्स, प्रोटीन जो है वो एंजाइम जो है वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, ऑल एंजाइम आर प्रोटीनिक इन नेचर, मेड अप ऑफ प्रोटीन। क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाना, उसको शुरू करवाना, बॉडी में एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, मींस कुछ बन रहा है कुछ टूट रहा है, तो वो सब एंजाइम की मौजूदगी में हो रहे हैं, और ये सब जो एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, प्रोटीन है तो ये एंजाइम है, प्रोटीन नहीं है तो एंजाइम नहीं है। फिर यहाँ पर जो प्रोटीन रोल प्ले कर रही है वो क्या कर रही है, कम्युनिकेशन में, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूँगी ऐसे हॉर्मोन्स की जो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जैसे इंसुलिन हॉर्मोन है, प्रोटीनिक इन नेचर है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा होता है, ग्लूकोज को स्टिमुलेट करता है, परमिएबिलिटी सेल की, लिवर सेल की इंक्रीज करवाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल अंदर चला जाता है सेल के। तो यहाँ जो हॉर्मोन्स होते हैं डिफरेंट, वो प्रोटीनिक नेचर, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे होते हैं, सारे ऑर्गन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में होते हैं, हमारी तरह नहीं होती है, हमारी बॉडी के एक दूसरे को कुछ बगैर बताए काम कर रहे होते हैं, अंदर सारा सिस्टम ऐसा है कि सब एक दूसरे से इन्फॉर्म्ड है, कोऑर्डिनेटेड कंडीशंस में, टर्म्स में है। नेक्स्ट वी हैव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में क्या रोल प्ले करते हैं भाई, एंटीबॉडीज होती है, जैसे अभी कोविड-19 बहुत ज़्यादा चल रहा है, एंटीबॉडीज बन रही है हमारी बॉडी में ना, वैक्सीन जो हम लेते हैं, इम्यूनाइज को करवाते हैं, तो अब ये जो एंटीबॉडीज हैं दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीनिक इन नेचर, ठीक है जी, यहाँ इम्यूनिटी में प्रोटीन ने रोल प्ले कर दिया। बात करते हैं अब अमाइनो एसिड्स की। अभी आपको पता चला कि अमाइनो एसिड जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के लिए, ये प्रोटीन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, प्रोटीन्स इनसे मिलकर बनी होती हैं। अमाइनो एसिड खुद किससे मिलकर बने होते हैं, अब आपको पता चल गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ में सल्फर होता है, जैसे सिस्टीन और सिस्टाइन की बात हो रही है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है अमाइनो एसिड बनाने के लिए, एंड देन अमाइनो एसिड्स बनने के बाद क्या करेंगे, वो प्रोटीन बना देंगे। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से किस तरीके से कनेक्ट होता है, थ्रू पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड बोल दीजिए, जो आपको ईजी लगे। कितने अमाइनो एसिड डिस्कवर हो चुके हैं, मोर देन 300 अमाइनो एसिड डिस्कवर हो चुके हैं, और हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनती है, क्या ये 300 के 300 अमाइनो एसिड ही वो प्रोटीन बनाते हैं, नहीं, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनती हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनको बनाने के लिए खास किस्म के 20 अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल हैं जो प्रोटीन बनाएंगे, बाकी जो यहाँ पे 300 की बात हो रही है दूसरा फंक्शन काम करेंगे, मीन्स 280 दूसरे काम करेंगे, और जो 20 अमाइनो एसिड है सिर्फ वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हमने क्या किया,
उन 20 अमाइनो एसिड को डिवाइड कर दिया इंटू टू कैटेगरी, हमने 10 अलग कर दिए और 10 अमाइनो एसिड अलग कर दिए। हमने नहीं किए, हमारी बॉडी ने किए, बॉडी ने कहा ये 10 वो अमाइनो एसिड है जो मैं खुद बना लूँगी, नो नीड टू टेक इन डाइट, आप डाइट में ना लो, मैं जानती हूँ, मुझे पता है, सेल जानता है कि किस तरीके से इन 10 अमाइनो एसिड को बनाना है। तो वो अमाइनो एसिड जिनको डाइट में लेना ज़रूरी नहीं है हम उन्हें कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, और वो अमाइनो एसिड जिनको डाइट में लेना ज़रूरी है उन्हें हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा।